का प्रेफर्ड आइडिया। अच्छा पालवे साहब, गुड मॉर्निंग पालवे साहब, आपके रडार पे कौन सा स्टॉक सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है जुबिलेंट फूड। ये स्टॉक में देखें तो लास्ट सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बनते हुए दिखा, और जिस तरीके से स्टॉक में पिछले 3 दिनों से देखें तो हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिखे। स्टॉक अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली अब सस्टेन कर रहा है। जुबिलेंट फूड पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें आना चाहिए करीब 560 तक के। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो करीब होगा 538 के आसपास। जुबिलेंट फूड वर्क, चलिए क्विकली रैप अप कर देता हूं आज के सारे टॉप कॉल्स। आगे लेकर आऊंगा फंडामेंटल आइडिया आपके लिए। गाबा सर ने कहा भारत फोर्ज हायर टाइम सिंगली। वैसे खुलते से फ्राइडे को आईटी वीक था, तीसरे दिन के लोज पे जाके बंद हुआ था। इसका एक अब वो एक जो सपोर्ट था बायबैक वाला वो खत्म। पहले तो पिछली बार खबर पे गिरा ही नहीं था टीसीएस, क्योंकि गिरावट अट्रैक्टिव हो जाती बायबैक के पर्सपेक्टिव के लिहाज से, लेकिन अब वो है नहीं, नदारद हो चुका। बायबैक का एग्जिट खत्म है, ध्यान रखिएगा। पालवे साहब, टीसीएस चार्ट पे कैसा प्लेस नजर आता है? दिक्कत वाली खबर फिर से आती हुई। तो आशीष जी देखिए, लास्ट सेशन में स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है। ऑलमोस्ट अब 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे 34.45 ये लेवल अगर टूटते हैं आज के सेशन में तो फर्दर सेलिंग यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। डाउन साइड में नेक्स्ट इसका लेवल जो आ सकता है वो करीब 3400 के आसपास के डाउन साइड हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर नियर टर्म के हिसाब से थोड़ा वीक है। 3500 के लेवल को जब तक ये रिगेन नहीं करता, उसके ऊपर नहीं आता है, यहाँ पे एक प्रेशर रहेगा। 3400 इसका नीचे का पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य यहाँ पे 3380 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। गांग सर, ये रह रहे के टीसीएस में इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं। इस क्वार्टर में पहले ही कह दिया उन्होंने प्रोवाइड फॉर करेंगे, पिछला जो इश्यू आया था एपिक सिस्टम्स वाला, अब इस पे पता नहीं कब प्रोवाइड फॉर करें, लेकिन सुमित सही कह रहे हैं एक मीनिंगफुल नॉक की तैयारी हो रही है बॉटम लाइन पर। अगर इसके लिए भी प्रोवाइड फॉर करो, लॉजिकली करना चाहिए प्रोवाइड फॉर, तो कंटेस्ट करें अपनी जगह। टीसीएस वर्सेज इन्फोसिस गिरा था, वो था 1 नवंबर, उसके बाद से एक भी दिन मिड कैप इंडेक्स गिरा नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 1 नवंबर लास्ट दिन था जब मिड कैप इंडेक्स रेड में था, उसके बाद पूरे नवंबर में एक दिन नहीं है जिसमें मिड कैप इंडेक्स गिरा। ये देखिए वो एक महीने का चार्ट वापस रख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, क्या शानदार चार्ट है वो, ये एक महीने का चार्ट, ये देखिए। बस वो 1 नवंबर को डिक्लाइन आई थी, उसके अलावा कोई डिक्लाइन नहीं है यहाँ पे। पूरे महीने धीरे 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 करके ये इंडेक्स आगे बढ़ रहा, 9% की रैली यहाँ पर इस समय मिड कैप इंडेक्स में। राजेश पालवे जी, आपकी पे क्या रहेगी इस समय? मेट्रोपोलिस पे नजर है। यहाँ पे स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, स्टॉक में एक बेस बिल्डिंग यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक में आज ओपनिंग के बाद से मोमेंटम है, यहाँ पे हमें लगता है कि मेट्रोपोलिस को बाय किया जा सकता है। 1710 1720 तक की अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो करीब होगा 1665 के आसपास। ओके, शानदार मोमेंटम खैर कुछ इन स्टॉक्स में। गुरांग सर गुड मॉर्निंग, एक बार एमसीएक्स पर अपना व्यू दीजिए। 3000 क्रॉस, ये अभी मेरे ख्याल 2 महीने पहले की बात, 1800 पे था उसके मुताबिक, तो यही लग रहा है कि इतना बड़ा पैनिक नहीं है इसमें। यस, और अब फिर एक बार से दे हाई की डायरेक्टरी में आ गया। बस मेरी निगाहें जा रही है एचडीएफसी बैंक पे। राजेश पालवे जी, एचडीएफसी बैंक को आप लोगों ने वीकेंड ओवर वीकेंड कैसे रीड किया? इसकी जो रोल ओवर्स के स्टैट्स हैं और जो अब 1520 और 1500 के बीच में पुट राइटिंग विजिबल है दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में, वो आप लोगों को क्या रिफ्लेक्शन दे रही है? आप लोग डिसाइसिव कॉल ले रहे हैं मंथली बेसिस पे इस पे दिसंबर के लिए? बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक में एक रिकवरी का ट्रेंड जरूर बनते हुए दिखा है। वीकली चार्ट पे भी देखे तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी यहाँ पे आते हुए दिखता है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन, और अपने कॉल कंसंट्रेशन एरिया को जहाँ पे कॉल राइटिंग है उसको भी क्रॉस करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे अगर ये स्टॉक अब 1540 के लेवल को क्रॉस करेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। पोजिशन लॉन्ग साइड की इनिशिएट की हुई है। यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस जो है वो करीब है 1490 के आसपास के, लेकिन अपसाइड में हम 1540 ये लेवल क्रॉस होगा तो यहाँ पे एक अच्छा मूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 1580 की तरफ। तो व्यू अभी बुलिश है, जिस तरीके के नियर टर्म स्ट्रक्चर बने हुए हैं यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1515 का।
ओके 1515 का मैं यहाँ पे थोड़ा जज करने की कोशिश कर रहा था कि अब दिग्गज क्या कर रहे हैं अनुजय. ठीक है स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग मिल रहे हैं, चाहे वो अदानी के ग्रुप के स्टॉक्स हो, सीमेंट हो, एचएल हो, क्विक सिंगल्स में, और ये समय आई थिंक टारगेट के काफी करीब है, 1710 के टारगेट थे. राजेश जी अब स्टॉप लॉस ये अच्छी खासी ग्रिप में ट्रेड, स्टॉप लॉस क्या एडजस्ट करें यहाँ पर? स्टॉप लॉस को अब कॉस्ट के आसपास ले आना चाहिए, 1675-1680 के आसपास स्टॉप लॉस रखे, पोजीशन को कैरी करे. काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना हुआ है, हमें लगता है कि ये टारगेट 1720 तक के जो सेकंड टारगेट सुझाए थे वहां तक भी ये मोमेंटम ड्यूरिंग द डे ही आते हुए दिख सकते हैं. अच्छा एबी फैशन एंड रिटेल, वो ये भी स्टॉक एक लास्ट वीक काफी रिकमेंड हुआ था चैनल पर, यहाँ पर भी मेरे ख्याल से सारे टारगेट्स जो उस समय रिकमेंड हुए थे वो सारे के सारे हिट हुए हैं. एबी फैशन ये देखिए एक अच्छा मूव यहाँ पर इस समय. उसके अलावा कहाँ मोमेंटम है? हीरो मोटोकॉर्प, क्या शानदार मूव रहा है हीरो मोटो दो हफ्ते में, और अब इस समय फिर ये स्टॉक इस समय डे हाई पर रहा. चलिए आपको एक टीजर दे देते हैं फिर चार का चौका का, और उसके बाद कुछ और ट्रेस लेकर वो स्टॉप लॉस के साथ और 130 के हिट टारगेट्स के लिए. ओके राजेश जी आपका एफएनएस सुपरस्टार. अनुज जी ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में हमें लगता है ओएमसी में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है हिंद पेट्रो. स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बने हैं पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम टूवर्ड्स एक्सपायरी कंटिन्यू करते हुए दिखेगा. स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट दिया है, तो हिंद पेट्रो एचपीसीएल फ्यूचर यहाँ पे हिंद पेट्रो फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह. अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे 342 से लेकर 345 की तरफ. स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो करीब होगा 327 के आसपास. ओके आपका ट्रेड है एचपीसीएल ओएमसी इस पिताओं खेलते हुए राजेश पालवी जी. अब चलते हैं आज का चार्ट का चमत्कार, कविता जी से पिक करते हैं. कविता जी क्या पिक कर रहे हैं आप? या सो वीरेन जी फार्मा से सिंजन को पिक करेंगे 700.